हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डाइसाइक्लोमिन और सिमेथिकॉन। सिमेथिकॉन और डाइसाइक्लोमिन क्या है और इसके यूजेस क्या हैं और डॉक्टर द्वारा ये दवा किस किस मर्ज में यानी कि किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा दी जाती है और इसके कुछ साइड इफेक्ट क्या होते हैं, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डाइसाइक्लोमिन और सिमेथिकॉन एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है जो ऐंठन और ऐंठन से राहत देने वाला एक एजेंट है, जिसमें डाइसाइक्लोमिन और सिमेथिकॉन होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ऐंठन और सूजन के कारण पेट दर्द को कम करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। डाइसाइक्लोमिन और सिमेथिकॉन एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसमें डाइसाइक्लोमिन एंटी स्पास्मोडिक और सिमेथिकॉन एंटी फोमिंग एजेंट शामिल है, जो मुख्य रूप से मासिक धर्म के दर्द, पेट दर्द, ऐंठन, सूजन और पेट में निचले हिस्से में सामान्य दर्द से संबंधित परेशानियों से राहत पाने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। डाइसाइक्लोमिन एक एंटी स्पास्मोडिक होने के कारण मांसपेशियों को आराम देकर ऐंठन और दर्द का इलाज करने में मदद करता है। ये मस्तिष्क में कुछ केमिकल मैसेंजर को भी रोकता है जो दर्द संवेदना पैदा करते हैं, जिससे दर्द में राहत मिलती है। सिमेथिकॉन एक एंटी फोमिंग एजेंट है। ये सूजन का इलाज करने में मदद करता है और गैस को अधिक आसानी से रिलीज करता है। सामूहिक रूप से दोनों एजेंट ऐंठन और गैस गठन के कारण होने वाले पेट दर्द को कम करने के लिए मदद करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जान लेते हैं कि पेट दर्द किन कारणों की वजह से भी होता है, आइए वो भी जान लेते हैं। पेट की ऐंठन एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें पेट की मांसपेशियां, ऐप, आंत और पेट गंभीर रूप से सिकुड़ जाते हैं। पेट में ऐंठन, मांसपेशियों में खिंचाव, डिहाइड्रेशन, पेट में गैस बनना, सूजन, आंत रोग, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज यानी कि IBD जैसे क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट की सूजन, गर्भ अवस्था, कब्ज या अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। सिमेथिकॉन, डाइसाइक्लोमिन और सिमेथिकॉन एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें डाइसाइक्लोमिन और सिमेथिकॉन शामिल है, जो मुख्य रूप से मासिक धर्म के ऐंठन, पेट दर्द और सूजन यानी कि पेट दर्द में निचले हिस्से में सामान्य दर्द का परेशानी से राहत देने के लिए डॉक्टर द्वारा इस दवा का उपयोग किया जाता है। डाइसाइक्लोमिन एक एंटी स्पास्मोडिक एजेंट है जो मांसपेशियों को आराम देकर और दर्द की फीलिंग पैदा करने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क में कुछ केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करके ऐंठन और दर्द को कम करता है। दूसरी ओर सिमेथिकॉन एक एंटी फोमिंग एजेंट है जो सूजन का इलाज करता है और पेट की गैस को अधिक कुशलता से छोड़ता है। साथ में डाइसाइक्लोमिन और सिमेथिकॉन अंत्र की आंतरिक परत पर कार्य करते हैं, मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन और दर्द को कम करने में मदद करता है, जिससे गैस के बबूले एक साथ आते हैं, जिससे ऐंठन और ऐंठन से राहत मिलती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि ये दवा किसको लेनी है किसको नहीं लेनी है, यानी कि डाइसाइक्लोमिन और सिमेथिकॉन प्रेगनेंसी की कैटेगरी बी की दवा है, इसलिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित किए जाने पर गर्भ अवस्था और स्तनपान करने वाली माताओं में इसका उपयोग सुरक्षित है। शराब का सेवन ना करें इस दवा का उपयोग करते समय, और डाइसाइक्लोमिन और सिमेथिकॉन दवा का उपयोग पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि ये दवा किस काम में आती है। डाइसाइक्लोमिन और सिमेथिकॉन का उपयोग पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन, पीरियडिक मेंस्ट्रुएशन क्रैप्स, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इस बीमारियों में ये यूज़ की जाती है। आइए फ्रेंड्स, इसके अब स्ट्रेंथ के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें दो स्ट्रेंथ में
यानी कि डाइसाइक्लिन 10 mg और सिमेथिकॉन 40 mg में आता है। तो दोस्तों कुछ ये इसके ब्रांड और पॉपुलर नेम हैं जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अब डोज की बात कर लेते हैं। तो इसमें डोज जो होती है वो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यहाँ पर इसके साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में मुंह में सूखापन, चक्कर आना, कमजोरी, घबराहट, नींद आना और जी मिचलाना, इस तरीके के इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट अगर देखने को मिलते हैं और आप इस दवा का उपयोग कर रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और इसको बंद करें। तो फ्रेंड्स ये थे इसके ऊपर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।